अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजीहास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ स्टफ चिल्ली पकोड़ा। आइए देखते हैं चिल्ली पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी लार्ज ग्रीन चिली, यानी कि बड़ी वाली हरी मिर्चें। इसका पकोड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, बेसन 150 ग्राम्स। इसका बैटर हमें बनाना है, उसके लिए मसाले हमें चाहिए। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। मिर्चों की स्टफिंग मैं यहाँ पे दो तरह की बना रही हूँ, एक इमली की स्टफिंग और एक आलू की स्टफिंग। इमली की स्टफिंग बनाने के लिए मसाले हमें चाहिए साबित ज़ीरा 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज 3 to 4, गार्लिक क्लोव्स 10 to 12, कोथमीर, नमक। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके उसे मैश कर लिया है। उसके मसालों में हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 2 टीस्पून, कोथमीर 3 से 4, हरी मिर्चें कटी हुई, नमक। पहले हम बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके बैटर बनाने के लिए मसाले बताए थे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हम इसमें सारे मसाले अपने ऐड कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैं पानी डालते हैं इसका बैटर बनाने के लिए। मेक श्योर रहें कि इसका बैटर आपको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और ना कि बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेमी सॉलिड होनी चाहिए ताकि आपके मिर्चों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपना बैटर तैयार करना है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब अपना आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको मसाले बताए थे, इसमें अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, बारीक कटी हुई कोथमीर, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम हमारी अगली स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि है इमली की स्टफिंग। जैसे कि मैंने आपको इसके मसाले बताए थे, साबित ज़ीरा, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, कोथमीर, इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके आपको इसका पेस्ट बनाना है। इस तरह से आपको अपना पेस्ट बनाना है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हरी मिर्चों को हमें बॉईल करना है। सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। पानी में हमारे बॉइलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी हरी मिर्चें डालूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने हरी मिर्चों को बॉईल करना है। मैं यहाँ पे हरी मिर्चें इसीलिए बॉईल कर रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत हार्ड होता है। जब हम अपने पकौड़े फ्राई करते हैं तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाते हैं। इस तरह से अगर आप इन्हें बॉईल कर लेंगे तो इसका टेक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम हमारे पकौड़ा फ्राई करेंगे तो ये मिर्चें भी अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आइए अब हम इन्हें निकाल के ठंडा कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर चेंज हो चुका है बॉईल होने के बाद। आइए अब हम इन्हें इस तरह से बीच में से कट करके इनके सारे सीड्स निकाल लेते हैं। इस तरह से आपको इनके अंदर से सारे सीड्स बाहर निकाल लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी स्टफिंग रखनी है। हमने जो मसाला तैयार किया है वो आपको इसमें स्टफ करना है। इस तरह से मैंने अपने सारे मिर्चों को कट लगाकर इसके सीड्स निकाल लिए हैं। आइए अब हम इसमें अपना मसाला स्टफ़ करते हैं। यह हमारा इमली का मसाला है। इस तरह से मैं इसमें अपने स्टफ़ कर दूंगी मसाला मिर्चों में। ठीक इसी तरह से आपको स्टफिंग करनी है। इसी तरह से मैं अपना आलू का मसाला भी इसमें स्टफ़ कर देती हूँ। तरह से आप अपना मसाला भर दें इसमें। ठीक इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने मिर्चों में मसाला स्टफ कर लिया है। आइए अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में यहाँ पे मैं तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। हमारा तेल गरम हो चुका है। आइए अब हम इसमें अपने मिर्च के पकौड़े फ्राई करेंगे। इस तरह से आपको स्टफ़ की हुई हरी मिर्चें बेसन के बैटर में डिप करना है, अच्छे से इसकी कोटिंग करना है और इस तरह से फ्राई करना है। इसी तरह से आप अपनी सारी मिर्चें बेसन में डिप करें और अच्छे से मिर्चों की बेसन से कोटिंग कर दें और इन्हें तेल में डालें। ठीक इसी तरह से आपको अपनी मिर्चें फ्राई करनी है, मिर्चों के पकोड़े हल्के गोल्डन कलर के होने तक आपको इन्हें फ्राई करना है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मिर्च के पकोड़े अच्छे से गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। आइए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको इन्हें फ्राई करना है एकदम गोल्डन कलर के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टफ चिल्ली पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। आप दोनों में से कोई भी स्टफिंग के साथ इसे बना सकते हैं, इमली की स्टफिंग के साथ भी, आलू की स्टफिंग के साथ भी, जैसे मर्जी बनाएं, एंजॉय करें अपने चिल्ली पकौड़ा। आप इसे टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी खाएं, एंजॉय करें अपने स्टफ चिल्ली पकौड़ास। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।